हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं गोला गोकर्णनाथ, एक छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और हम यहाँ आपको दर्शन कराएंगे शिव जी के। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ शिव मंदिर है। दोस्तों बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं और आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ के। और हम प्रसाद लेंगे यहाँ पे भैया से और फिर आगे की ओर चलते हैं और शिव जी के भी दर्शन कराएंगे आपको। ये देखो प्रसाद की ये दुकानें लगी हुई हैं दोस्तों, यहाँ से हम प्रसाद लेंगे और फिर आगे चलते हैं, आगे को भी आपको दिखाते हैं। चलें तुम वीडियो बना, हम चल रहे। हेलो दोस्तों, आप देख ही सकते हो हम आ गए हैं गोला गोकर्णनाथ। कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों शाम के टाइम। और ये देख सकते हो ये बोर्ड लगा हुआ है गोला गोकर्णनाथ का, इसमें आप देख सकते हो। ये भैया है यहाँ, इनके यहाँ मैंने बाइक लगाई है, इससे प्रसाद लिया है। तो भैया यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो आप जी? यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हो, ये कितना पुराना मंदिर है, क्या है प्राचीन मंदिर? इतना मुझे कहाँ याद है। कितने दिन से आप यहाँ बैठते हो? यहाँ जब से पैदा हुआ तब से बैठ रहे हैं। अच्छा, चलो अच्छी बात है। काफ़ी भीड़ लगती है ना यहाँ सावन में? अच्छा, सावन में काफ़ी भीड़ लगती है। चलो ठीक है भैया, कल मिल चुके हैं हम और प्रसाद भी ले लिया है। अब हम मंदिर की ओर चलते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। ये अंदर का रास्ता है और दर्शन कराते हैं आपको शिव जी के। गोला गोकर्णनाथ आ चुके हैं और ये तालाब के भी दिखाएंगे पूरा व्यू। दोस्तों बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गोला गोकर्णनाथ, जो छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा यहाँ आके कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों यहाँ कि जो श्रीलंका ले जाने वाली शिवलिंग वो यहाँ अभी भी मौजूद है और रावण के अंगूठे का निशान भी उस पर अभी भी मौजूद है, वो भी शिवलिंग हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, दर्शन कराएंगे शिव जी के। चलते हैं हम मंदिर की ओर। ये कमल के फूल रखे हुए हैं दोस्तों, देख ही सकते हो भैया प्रसाद बेच रहे हैं यहाँ। ये इधर भी मंदिर बना हुआ है। हम मैन मंदिर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मैन मंदिर। इधर जूते चप्पल आप उतार सकते हो और हाथ पैर भी धो सकते हो। तो हम आ चुके हैं मैन मंदिर में। ये प्रतिमा बनी हुई है नादिया बाबा की, ये घंटियाँ प्लस घंटे लटके हुए हैं, इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेन गेट है मंदिर का, द्वार है, वहाँ से हम शिव जी के दर्शन कराएंगे आपको दोस्तों। जय भोले की, ओम नमः शिवाय। दोस्तों हम आ गए हैं, सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ, एसी भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बने रहे हैं दोस्तों मेरे ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारे दोस्तों भैया यहाँ रहे हैं, एसी पंखा सीसीटीवी कैमरा काफ़ी सुविधाएं हैं और काफ़ी तादाद में लोग आते भी हैं यहाँ। कि हम लेट आए हैं इसलिए यहाँ भीड़ कम है। बाबा है यहाँ, बाबा आप ही रहते हो यहाँ? आप ही रहते हो यहाँ? यहाँ आप ही बैठते हो? अच्छा अच्छा, शिव जी की शिवलिंग है अंदर, तो उसको देख ही सकते हो। तो काफ़ी प्रसाद और फूल वगैरह चढ़ने से ढक गई है।
ओके दोस्तों, बने रहे मेरे ब्लॉग में, आगे का दिखाते हैं आपको। दोस्तों दर्शन करा ही दिए हमने आपको और मैंने भी कर लिए हैं दोस्तों, और अभी हम बाहर की ओर चलेंगे। श्रद्धालु यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाहर की ओर, और ये देखो शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ये शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है जिसकी ऊंचाई 35 फुट है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों ब्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो दोस्तों बने रहें मेरा ब्लॉग में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही।